ਇਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਕੀ ਦਿੱਖੀ ਹੋ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੇ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। और जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम आए हुए हैं खरक राम जी। और यहाँ पर जो शुद्ध रूप से बिना केमिकल की जो काफी तरह की वैरायटी, जैसे गुड़, शक्कर, देसी खांड, इस तरह की काफी तरह की वैरायटी जो बनाई जाती है। जैसे कि आप मेरे सामने इधर देख रहे हो, ये देसी गुड़ अभी इन्होंने बनाया है। और अभी ये गर्मी गर्म है, मैंने थोड़ा खा के देखा है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। और काफी तरह की जो वैरायटी यहाँ पर बनाई जाती है, किस किस तरह की वैरायटी है, क्या कुछ इसमें यूज होता है, तो उसके लिए सर से करेंगे बात। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो भी आप ये आइटम जितने भी बनाते हो, गुड़, शक्कर, इसमें किसी केमिकल का क्या यूज होता है क्या? नहीं सर, इसमें हम केमिकल कोई भी यूज नहीं करते। जी जी। इसमें जैसे रस की सफाई भी होती है, तो मुसकदाना एक पौधा है जिसको बोलते हैं, जी, उसी के रस से इसकी सफाई होती है। जी जी जी। और खास बात है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं। जी जी जी। शुद्ध रूप से जो अपना प्राचीन हमारे बुजुर्ग बनाते थे, गुड़, देसी खांड और शक्कर, जी जी जी, सेम वही विधि से हम बना रहे हैं। टोटल क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं सर? गुड़ है एक, तो जो स्पेशल गुड़ है, दो तीन तरह का, चटपटा है, फ्लेवर्ड है हमारा, और चाय के लिए स्पेशल गुड़ है। जी जी। और दूसरा शक्कर है, देसी खांड है, और राब डालते हैं, जैसे पहले खाते थे ना, जिसको बोलते थे खुदा। जी जी। शुद्ध रूप से जो मतलब मीठा है, लेकिन पेट में कीड़े नहीं होने देता था। जी, जी, और गर्मी में जैसे निकालते थे अपने बुजुर्ग, उसको हम पैक करके देते 500 ग्राम में। जी जी जी। तो एक शीरा बनता है पशुओं के लिए। जी, जी। उसी में से जो शुद्ध जैविक रूप से हम बनाते हैं इसको। जी जी जी। और एक जैम है, जैसे गाजर, चुकंदर, सेब, अनानास, आंवला मिक्स करके। जी जी जी। जो आप देसी भाषा में लोग कह देते हैं चौनप्रास, वो सभी आपने प्लांट में बनाए जाते हैं? सब यही बनता है सर। जैसे बात हुई अभी, आपने कहा चाय वगैरह भी इससे, गुड़ से बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसमें ये गुड़ डालने के बाद नॉर्मली चाय फट जाती है? हाँ, नॉर्मल फट जाती है चाय, अगर उसमें कुछ केमिकली बेस्ड, जैसे सफाई करने के लिए ना, मोस्टली जैसे प्रोफेशनल जो लोग बनाते हैं व्यवसाय के लिए। जी जी। उसमें जल्दबाजी में या कह लो या कुछ भी, जैसे उसमें कास्टिक वगैरह डाल देते हैं जो उनका प्रोसेस रहता है बनाने का। जी। तो इसमें सफाई करते हैं जो मुसक दाने के रस से करते हैं, जैविक आप कह सकते हो, पौधे से करते हैं। जी। और दूसरा, इसमें किसी तरह का मैल या और कोई मिलावट होती नहीं, इसलिए चाय फटती नहीं। और खास बात है, आपके घर पे अगर आरओ है जी, तो आपके आरओ की टेस्टिंग हमारा गुड़ कर देगा। जी जी। किस तरह से सर? अगर आपके आरओ में गुड़ की इसकी चाय फटी आरओ के पानी में, तो समझो आपका आरओ खराब है। सादे पानी में बनाओ, चाहे खारा है, चाहे मीठा है, जैसा है, बिना आरओ का। जी जी। बिल्कुल नहीं फटेगी। सर, जैसे बात कीजिए, जैसे चाय की बात चल रही है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे, जैसे आजकल चीनी का यूज ज्यादा करते हैं लोग, उसमें और इसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा बताओ सर। चीनी में मिल में जैसे होता ना, उसमें मेन जो सफाई करने के लिए और उसमें जो सफेदी लाने के लिए जो कार्बन पदार्थ डलते हैं, वो सब केमिकल है। जी जी जी। सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी चीजें हैं, उसमें सारा सिस्टम निकाल के सिर्फ मीठा छोड़ते हैं उसमें। जी जी जी। और मीठा उसी को पचाने के लिए, और उसमें जो साथ में एसिड वगैरह दे जाती है, जी जी जी, हमारे शरीर की पूरी ताकत लग जाती है। जी जी जी। उसी वजह से जो पेनक्रियाज, जो इंसुलिन इंक्रीज करती है ना, शुगर को शर्करा को पचाने के लिए, उसको डैमेज हो जाता है फिर वो चीनी की वजह से लगातार। जी जी। गुर्दों पे असर करती है, दिल पे भी असर करती है, वजन बढ़ता है उससे, चीनी से। चीनी से। तो कुल मिला के उसमें कुछ छोड़ते नहीं, सिर्फ चीनी मीठा। जी जी जी। इसमें क्या है, जो गन्ने में होता है ना कुदरती, एंजाइम है। जी जी। और लोहा बहुत ज्यादा, आयरन, हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे, बाकी विटामिन, खनिज अलग जितने हैं, इसमें सारी चीजें वो मौजूद है। सर, थोड़ा फायदे की बात की जाए, ये जो आप आयुर्वेदिक जो आइटम ये बनाया जाए, नेचुरल रूप से जो आप बना रहे हो, गुड़, शक्कर, जो भी है, इसका हमारे शरीर में सबसे पहले बेनिफिट क्या है सर? सबसे पहले बेनिफिट है, रो शुगर है, प्राकृतिक मीठा। जी। ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट या किसी तरह का सफाई करने के लिए कोई एसिड वगैरह नहीं डालते। जी जी। तो जो हम खाते हैं, जी जी, जैसे आपने हरी सब्जी खाते हैं, जी जी, वो रॉ मटेरियल है। जी जी। उसको हम पका के खाते हैं, वैसे ही ये रॉ मटेरियल है, रॉ शुगर इसको बोल सकते हैं। जी जी जी। कच्चा, जी कच्चा जी मीठा जी। तो ये सीधा, ये तो पचता ही है, इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं, बाकी जो खाना है हमारा उसको पचाता है। जी जी। खास बात है, जिसको मधुमेह का रोग हो गया, डायबिटीज, वो भी इसको खा सकते हैं, उनकी इससे शुगर नहीं बढ़ेगी।
ये नॉर्मल रखेगा उसकी शुगर, बिल्कुल नॉर्मल रखेगा और बाकी बढ़ने नहीं देगा, जैसे नेचुरल चीनी से बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उसको बढ़ने नहीं देगा, उसका इलाज भी हो सकता है अगर वो लगातार रो शुगर या जैसे इस तरह की चीजें ना खाए ना। जी 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 तो जितने भी ये ठंडे वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आते हैं, सब में चीनी डालते हैं ना। जी 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 तो उसको छोड़ के आप कच्चा मीठा अगर खाना शुरू करेंगे, कच्चा मीठा ही आता है गन्ने का है ये, तो ये चीजें दिखते नहीं होंगी। हाई बीपी है, शुगर है, जैसे डायबिटीज है, इस टाइप की दिखते इससे नहीं होगी। सर एक बात, जैसे ये तो गुड़ हमारे सामने रखा है, देखिए गुड़ इस तरह ये बनता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इस तरह की ये गुड़ की पेड़ियां काट दी जाती है और फिर उसके बाद प्रोसेस कर दिया जाता है कस्टमर को। और इसके अलावा जैसे क्या क्या आइटम, एक बार थोड़ा दिखाओ सर हमारे। सर ये शक्कर है जी, ये भी उसी विधि से जैविक विधि से तैयार है। जैविक विधि का मतलब है इसमें बढ़ाने के लिए, सफाई के लिए गंदे का रस में, ये देखिए शक्कर है, ये शक्कर है, नेचुरल शक्कर है, बिल्कुल नेचुरल। अपना किसी बुजुर्ग को खिलाओगे वो समझ जाएगा कि वही शक्कर है जो हम खाते थे। ये हमारे हलवाई है जो उसी समय के पौष्टिक आहार है एक हिसाब से हमारे। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके अलावा बात की जाए सर, इसके अलावा देसी खांड है सर, जो बुजुर्ग बनाते थे जिस विधि से 15 दिन राब को डालते हैं, ये देसी खांड है। और मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देसी खांड को रूटीन में अपनी लाइफ में इसको जोड़ दोगे चीनी की जगह, तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि देसी जो है खांड, जिसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा और नेचुरल रूप से जो है ना ये बनती है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ये। जिसके अलावा बात की जाए तो थोड़ा अलावा सर ये राब है, जैसे मैं बता रहा था आपको, मटकों में या मिट्टी के बर्तन में डलती है, कोरे बर्तन में। जी 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 जी। तो उसमें से फिर ये जैसे दाना इसमें बन जाता है। जी जी। फिर इसको पैक करके हम, ये राब है, इसकी पैकिंग की जाती है। ये जैम है एक, जैसे गाजर, चुकंदर, सेब, अनानास, आंवला और कुछ इसमें जैसे मसाले बोल सकते हो, जड़ी बूटी बोल सकते हो। जी जी। ये कुल मिला के जैसे बाजार में चवनप्राश होता है ना, या जैम आते हैं, उनमें मोस्टली सब में चीनी होती है। जी जी जी। चीनी की चाशनी और आंवले के नाम पे कोई कैलो शकर के अंदर या कुछ भी। जी जी जी। या केवल आंवला। जी जी जी। इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक अपना इम्यूनिटी मतलब रोग क्षमता बढ़ाने के लिए होती है। जी जी जी। और कुदरती उसमें जी 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 रो मटेरियल के साथ, ना के कोई दवाई या कुछ सिस्टम। जी जी जी। ये चटनी है एक तरह की। जी जी जी। और आप लगातार खाओगे रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ेगी। जी जी जी। आपका बच्चा बड़ा होकर भी पेशाब करता है बिस्तर में वो भी ठीक होगा, अकड़ाता है तो अकड़ाता है। बुजुर्गों को कमजोरी है, हाथ पर कांपते हैं, महिलाएं थकी रहती है, सब में काम करेगा। तो ये बिल्कुल नेचुरल रूप से बनाई गई, जितनी भी आइटम में दिखाई जा रही है सभी नेचुरल रूप से बनाई जा रही है, और इसका हमारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई फायदा ही इसका हमारी बॉडी पर पहुंचेगा यदि आप रूटीन में इसको यूज करते हो। तो सर ये तो होगी प्रोडक्ट की बात। अगर हमारा कोई व्यूवर्स इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, आपसे कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, तो उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा सर? बस उसका प्रोसेस सर एक बार मिले हमारे से जी, और माल अगर लेना है शुरू करना है तो एक एडवांस चेक अपना दे गारंटी के तौर पे और शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी सर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अगर कोई फ्रेंचाइजी? रिक्वायरमेंट सर मिनिमम कुछ नहीं, अगला मान लो दुकानदार आके या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके देगा, लोगों को पसंद आएगा तो फिर अपने आप शुरू हो जाता है सिस्टम। फिलहाल कोई टारगेट ऐसा नहीं है कि इतना कुछ टारगेट नहीं है कुछ। जी 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 जी। तो सर जैसे बात की जाए, आओ इंडिया में कहाँ कहाँ जो आप इसको फिलहाल? हरियाणा में है, कुछ जगह दिल्ली गया है, वो अपने आप लेके जाते हैं लोग जब पता चलता है ना कोई ऐसी चीज बना रहे हैं। जी जी जी। और कुछ जो रिश्तेदार बहुत से लोगों के हमारे आसपास के यार दोस्त हैं जितने भी, उनके बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई, तो उन्होंने यहाँ से भेजा है और उनकी रिपीट फिर डिमांड आई है तो फिर वो लेके गई है। मतलब आउट ऑफ इंडिया भी इसको यूज किया, इंडिया भी गया और वहाँ लैब में, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो लैब में टेस्टिंग होती है, कोई खाने की चीज बाहर से आई है, तो वो पास हो गया हमारा, वो क्योंकि तभी जा पाया उनके घर पे। जी जी जी। वो ऐसे जाने देते। जी जी जी। तो ये देखा आपने भाई साहब के पास इधर काफी तरह की वैरायटी है, देखिए जितनी मेरे हाथ में अभी आपको दिखाई भी गई है। और यदि आप चाहते हो इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रेंचाइजी लेना, या इसका क्या कुछ प्रोसेस रहता है इसके बारे में कोई भी जानकारी भाई साहब से लेना, तो भाई साहब का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।